अज 26 सितंबर नूं जिला पटियाला दे विच कोविड दी की स्थिति है उहदे बारे जानकारी दे रहे ने सिविल सर्जन पटियाला डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी। अज साडे कोल 2050 दे करीब रिपोर्ट्स मिलियां, जिस चों 172 सैंपल पॉजिटिव आए ने, जिस नाल टोटल पॉजिटिव केसिस दी डिस्ट्रिक्ट गिनती 11192 हो गई है। और इस दे नाल नाल मिशन फतेह दे तहत भी 172 मरीज होर ठीक होके गाइडलाइन मुताबक डिस्चार्ज कर दिते गए ने, जिस नाल ठीक होने वाले केसां दी गिनती 9323 हो गई है और एक्टिव केसां दी गिनती 1557 है। जिस तो प्रतीत होंदा है कि साडी जिहड़ी 83% मरीज साडे ठीक हो चुके हैं और मौत दर सिर्फ 2.7% ही है। 172 चों 54 केस पटियाला शहर चों, 1 समाणा, 17 राजपुरा, 22 नाभा, 500 ब्लॉक चों 58 मिले ने, ओली चों 6, कालू माजरा चों 4, हरपालपुर तों 3, दूधन साधा तों 2 ते शुतराणा तों 5 केस रिपोर्ट होए ने। और इन्हां चों 12 केसिस जिहड़े ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग च मिले ने ते 160 केस जिहड़े ब्लू कॉर्नरस ते ओपीडीज च मिले ने और इन्हां नूं एज़ पर गाइडलाइनस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ते फॉलोअप किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अज 5 टैस भी हुई हैं, 1 दूधन साधा, 2 राजपुरा, 1 हरपालपुर ते 1 नापा नाल संबंधित ने। और एकता कॉलोनी गली नंबर 3 विच लगाई माइक्रो कंटेनमेंट हटा दिती गई है, क्यों जो कोई नवा केस नहीं आया। हुण कंटेनमेंट अते माइक्रो कंटेनमेंट वेले एरियाज़ की गिनती कुल 7 रह गई है। और अज भी साडी टीमां ने 2100 तों वध सैंपल लए ने, तकरीबन 1,48,000 सैंपल हुण तक हो चुके ने और 1650 दी रिपोर्ट आनी बाकी है। मेरी फिर पटियाला वासियां नूं हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ माननीय CM साहब, PM साहब, HM साहब, महाराणी साहबा दी गल सुनो, वोलेंटेरली अगे आ के अपनी सैंपलिंग कराओ। ये तुहाडे फायदे दी गल है, तुहाडे फायदे दी गल है। जिहड़ी कोई बीमारी लुकी हुई किसी दे कोल भी अंदर भी है, वो बाहर सानू पता चल जाएगी, आइसोलेट कर देंगे, होम आइसोलेट करांगे। असी 70% दे करीब व्यक्तियों तां होम आइसोलेट ही कर रहे हैं, सिर्फ 14 दिन का 17 दिन का कष्ट है। घर रह के तुसीं ठीक हो जाओगे, होर अपने आस पड़ोस अपने परिवारिक मैंबरां नूं किसी नूं प्रॉब्लम नहीं आएगी जब अपनी पहली पता चल जाएगी, बजाए कि आपां वेट करिए कि जद जी खंघ शुरू होएगी, बुखार आएगा, लक्षण आएंगे तो असं टैसट करावे। उस स्टेज की होंगे कि साडा अंदरूनी सिस्टम काफ़ी नुकसान हो चुकिया होंगे तो उस वेले डॉक्टर्स भी बेहतरीन कोशिश करन तो बावजूद भी बहुत कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। सो कृपा करके इस गल नूं मन्नो, ये वर्ल्डवाइड यह गल चल रही है कि सैंपलिंग पहले कराओ, वॉलंटेरली कराओ, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे रशिया ले लो, चाहे इंग्लैंड ले लो, सारी जगह यही है कि सैंपलिंग पहले कराओ ताकि आपां अपना बचाव कर सकीए। ये प्लीज़ जरूर इस गल नूं मन्नो। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करो, मास्क जरूर पाओ, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, और अपना बेलोड़ी मूवमेंट्स ना करो। जिहड़े साडे भरा धरना वगैरह जा रहे ने वह भी प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क जरूर पाओ, देखो तुहाडा ही फायदा है, तुसी भी साडे भराओं, साडे बजुर्गों, असी ये जरूर कहांगे भी अपनी सेहत बहुत जरूरी है मेनटेन करना, ते ये दो चीज़ां दा जरूर ध्यान रखो। और बाकी मैं जनता नूं कहांगा भी जिहड़ी साडी डेंगू प्रति भी गाइडलाइनस है उन्हों का प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करो, कितने भी पानी खड़ा मिले उन्हों रिमूव कर दो, बर्तन जोड़े है अपने पक्षियों वाले, पशुओं वाले गमले है अपने, उन्होंने आप जरूर पानी खड़न ना दईए, तो ये ध्यान रखना है। छत्तों के कोई टुटे बर्तन है, पकेट्स है, कोई टायर्स है, प्लीज़ इन्हों रिमूव कर दो। आप छोटी जी मेहनत करनी है, हफ्ते 10 मिनट भी स्पेयर कर दिए, अपना बचाव होएगा, अपने आस पास का बचाव होएगा। थैंक यू वेरी मच।